है एवरीवन इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स को जो भी चीजें पढ़नी है एनसीआर से एंड केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें हैं कौन से डिलीटेड चैप्टर्स हैं एंड जो भी चैप्टर सिलेबस में है उसमें भी क्या डिलीटेड मैंशनड है वो सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे ना जो लास्ट ईयर का सिलेबस था एक्जैक्टली सेम तुम लोग का भी सिलेबस है यहाँ पे ये सारे चैप्टर्स हमारे डिलीटेड हैं. तो अगर तुम स्पेसिफिकली बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है बट इन केस तुम बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हो लाइक आई आई टी जे नीट या फिर इवन सी यूई टी तो वहां पे ना ये सारे चैप्टर्स भी जनरली पूछे जाते हैं अब अभी हमें पता नहीं है कि नेक्स्ट ईयर में भी चेंज वो कर दे की सीयू टी में नेक्स्ट ईयर अब जब भी तुम लोग दोगे तो ये ना पूछे जाए बट अभी जैसे इस ईयर वालों का भी ये सारे चैप्टर्स डिलीटेड थे बट ये सीयूटी में आ रहे हैं तो इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर लाइक सीयू टी जेई नीट तो वहां पे ना ये सारी

तो स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स का अगर ये सिलेबस है तो मुझे बता देना एक बार कमेंट सेक्शन में एंड इफ यू पीपल वांट द वन शॉट्स और द नोट्स फॉर चैप्टर्स आल्सो सो डेफिनेटली लेट मी नो इसके अलावा जितने भी हमारे पास चैप्टर्स हैं ना वो सब हमें पढ़ने हैं टेन हमारे पास टोटल चैप्टर्स हैं हर एक चैप्टर में क्या क्या चीजें आ रही हैं वो भी अभी मैं तुम लोग को बताऊंगी अब इसमें क्या करना है ना मैंने सारे वन शॉर्ट्स डाल दिए हैं ऑलरेडी जो लास्ट ईयर वाला था बिकॉज जैसे मैंने बताया वही तुम लोग का भी सिलेबस है तो जितने वन शार्ट मैंने अपलोड कर रखे हैं ना उनसे पढ़ लेना इसके अलावा मैंने नोट्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं

उसके में लाइक उस like रात के एक बजे दो बजे अगर मैं पढ़ रही हूँ एंड आई वॉन्ट में ट्यूटर से इजिली कनेक्ट हो सकू तो उस केस में भी यू कैन इजिली गट कनेक्टेड यूज किस तरीके से करना है डिस्क्रिप्शन में जाओ मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखी है वहां से डाउनलोड कर एप्लीकेशन को एंड जब भी कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो सिंपली हमें अच्छे तरीके से जो भी तुम्हारी क्वेरीज है उनको कर देंगे. So अब कर लेते हैं क्या क्या हमारे पास चैप्टर है क्या सिलेबस में है तो हमारे पास सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये देखो ये तीन चैप्टर्स हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आते हैं ठीक है ये दोनों आते हैं हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर उसके बाद ये सब आते हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ये हमारे पास टोटल कितने हो गए टेन चैप्टर्स हो गए तो ये सब हमारे ऑर्गेनिक के हैं तो ऑर्गेनिक क्या है यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लो सेवन है इसका सेवन है सेवन सेवन सिक्स एट सिक्स एंड सेवन तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है फिर यहाँ पे फोर्टीन मार्क्स की हमारी इनऑर्गेनिक है अकॉर्डिंगली वी कैन सी तो सबसे ज्यादा ना हमें फोकस करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंड उसके बाद देखो सोल्यूशन में यहाँ पे ना हेनरीज लॉ कहीं पे भी मैंशन नहीं कर रखा है बट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लेट मी जस्ट शो यू Of gases in gases in में ही हमारे पास नहीं करना है एक तो तुम के न, जितने टॉपिक्स है ना सारे टॉपिक करने हैं कोई सभी टॉपिक छोड़ना नहीं है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगेन यहाँ पे सारे हमारे पास टॉपिक सेल हो गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो गया फ्यूल सेल कोरोन ब्लड अक्यूमले

एंड कार्बोक्सिक एसिड अगेन इसमें हमें सारी चीजें पढ़नी है कोई भी रिएक्शन नहीं छोड़नी है और अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें ना तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास नेम रियाक्शन होती है तो नेम तो हमें सबसे पहले सारी लर्न कर लेनी है उसके बाद हमारी कहीं पे भी नहीं है जैसे यहाँ पे हम चेक करें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड है बट क्वार्टर भी हमारे पास टॉपिक आता है बहुत ही छोटा सा है सिंपल सा रिएक्शन कुछ उसकी भी देख लेना देन कम्स द बायोमोलिक्यूल्स विच इज द लास्ट चैप्टर तो यहां पर देखो हॉर्मोन्स वाला सिर्फ एलिमेंट्री आइडिया कई बच्चे पूछते हैं एलिमेंट्री आइडिया या क्वालिटेटिव एनालिसिस इन सब का क्या मतलब होता है तो हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए नॉट अ वेरी इन डेप्थ नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक तो यहाँ पे जैसे हॉर्मोन है तो इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है स्ट्रक्चर इसका हमें नहीं पढ़ना है बेसिक आइडिया होना चाहिए थोड़ी बहुत थ्योरी हमें हॉर्मोन्स की पता होनी चाहिए देन देखो यहाँ पे ना विटामिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन हमें गिवन है प्रोटीन्स इधर पे गिवन है ना बट यहाँ पे टाइप्स मेंशन नहीं कर रखा है सिलेबस में टाइप्स दो तरह के होते हैं प्रोटीन्स फाइब्रस होता है और दूसरा ग्लोब्युलर यहाँ पे नहीं है बट अगेन टाइप्स भी हमें प्रिपेयर करना है तो so अकॉर्डिंगली मैंने हर एक चीज बता दी है बिकॉज जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हमें बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत बच्चों के कमेंट्स भी आते हैं सो दिस इज वॉट यू हैव टू डू मेरे अकॉर्डिंग जितने चैप्टर्स है ना उसमें जितने टॉपिक्स है सारे करना कोई सा भी मत छोड़ना एंड अगर तुम लोग को वन शॉर्ट्स चाहिए या नोट्स की पीडीएफ चाहिए है सो डिस्क्रिप्शन so में जाओ सारी लिंक्स मेंशन है इवन अगर पी चाहिए की सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ वगैरह चाहिए है सो स्टडी वेर हाउस मेरा टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लो यहाँ पे हर एक चीज तुम्हें मिल जाएगी एंड इन केस यू वॉन्ट